31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जी हां, डीएम उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ रामपुर के डीएम, एसडीएम, सिटी मैजिस्ट्रेट सहित पुलिस प्रशासन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म अवसर पर गांधी समाधि पर मौजूद रहे और देशभक्ति के गानों के साथ रामपुर डीएम सहित विद्यालय के बच्चों ने रैली निकाली। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्मदिन दिवस के अवसर पर एकता दौड़ भी की गई। दौड़ अंबेडकर पार्क से लेकर गांधी समाधि पर जाकर समाप्त हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर डीएम ने बताया कि रामपुर का पुलिस प्रशासन और विद्यालयों के बच्चों ने स्टाफ समेत दौड़ में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि किसी तरीके का समाज में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को एकता बनाकर रखनी चाहिए। इस मौके पर रामपुर के गांधी समाधि पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं व स्टाफ मौजूद रहा। आज की राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ में भाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसमें जितने सारे लोगों ने सहयोग किया सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज की ये दौड़ राष्ट्रीय एकता के लिए थी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ का मायने है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने सच्चे मायने में देश को एक किया। अपने विचारों से महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे, पर इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अनोखी बात थी वो उनकी दृढ़ता थी और इसीलिए उनको लौह पुरुष कहते हैं। देश के आजाद होने के बाद भी देश बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, उन सारी रियासतों से बात करके उनको हर एक तरीके से राष्ट्रीय एकीकरण में ले आना और राष्ट्रीय एकीकरण करना, ये इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार थे वो जितने ऊपर थे उतने नीचे तक थे, माइक्रो लेवल पर भी वो छुआछूत को भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा मानते थे और उसको भी बड़ी शिद्दत से दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो किसी तरीके का भेदभाव हो, चाहे जातिगत हो, चाहे धर्मगत हो, हर तरीके के भेदभाव के खिलाफ थे, विरुद्ध थे और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ तो बहुत ज्यादा हमारे लिए है। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात हम सबके लिए है वह है अपने विचारों में दृढ़ता, अपने कार्य में दृढ़ता और इसी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र के प्रथम कर्णधारों में सबसे अलग पहचाने जाते हैं। ये सभी के लिए सीखने वाली बात है कि अगर विचारों में दृढ़ता रहे, विचार पवित्र रहे तो आदमी का कोई भी उद्देश्य और लक्ष्य कभी भी अप्राप्य नहीं रह सकता। और आज उन्हीं विचारों को याद करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने तरफ से पूरे जनपद की तरफ से मैं बारम्बार नमन करते हुए आप सभी को अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जयंती पर क्या संदेश दे जाएंगे? आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं और सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की का आज जन्मदिवस भी है। इस अवसर पर उनके संदेशों को प्रसारित करने के साथ साथ आज एकता के लिए दौड़ भी आयोजित की गई और आज उसी दौड़ के सिलसिले में हम लोग अम्बेडकर पार्क से गांधी समाधि तक आज ये दौड़ ऑर्गेनाइज की गई थी, आयोजित की गई थी, जिसमें सभी हमारे जनपद स्तरीय अधिकारियों और हमारे जो पुलिस के कैडेट हैं उन सभी लोगों ने, स्कूली बच्चों ने, सबने प्रतिभाग किया यह संदेश देने के लिए सब पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र को, अपने पूरे जनपद को राष्ट्रीय एकता की। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों की दृढ़ता की और ये सारे लोगों को संदेश देने के लिए कि किसी तरीके की भेदभाव, किसी तरीके का छुआछूत, किसी तरीके की विभेद किसी के साथ भी वो हमारे राष्ट्रीय एकता में बाधा है, हम सारे मिलकर देश को एक करें, आगे बढ़ाएं और उसमें उसके प्रगति भी होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।